तो मेरे भाई लोग, अगर मैं कहूँ एक टीम ऐसा था जो यूरो के लिए क्वालिफाई नहीं किया था लेकिन फाइनली यूरो जीत गया था, क्या विश्वास करोगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेनमार्क के बारे में। 1992 में युगोस्लाविया में वॉर होने के कारण युगोस्लाविया ने डिसाइड किया था हम लोग यूरो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और उस टाइम पे युगोस्लाविया काफी तगड़ा टीम था। तो यूएफए ने यह डिसीजन लिया कि क्वालिफाइंग स्टेज में जो सेकंड पोजीशन में टीम है उसको हम मौका देंगे, और सेकंड पोजीशन पर था डेनमार्क, और डेनमार्क बहुत ही गंदा टीम था मेरे भाई। दो तीन अच्छे प्लेयर्स थे, उनमें से पीटर श्माइकल का नाम ले सकते हो, ब्रायन लुडॉक का नाम ले सकते हो, और उनका जो बेस्ट प्लेयर था मिचेल लॉड्रॉक जो बार्सिलोना से खेलते थे, वो तो यूरो में ना आके समर हॉलीडे में जाना चाहते थे क्योंकि उनको भी पता है चांस भैया कुछ नहीं है। और ग्रुप स्टेज के पहले दो मैच में डेनमार्क इंग्लैंड से 0-0 का ड्रॉ खेलते और स्वीडन से 1-0 से हार जाता है, लेकिन किसी तरीके से ग्रुप स्टेज के लास्ट मैच पे फ्रांस को हरा देते 2-1 और वो लोग क्वालिफाई कर जाते सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल में मुकाबला होता है डिफेंडिंग चैंपियन नेदरलैंड से, जहां पे गुलित, वैन बास्टन, राइगार्ड, कुमैन, बर्कम ये सारे लोग खेलते थे, लेकिन नेदरलैंड से वो लोग 2-2 का ड्रॉ खेलते और मैच जाता है पेनल्टी में, और वहां पे पीटर श्माइकल अपना जलवा दिखाते और डेनमार्क को क्वालिफाई कर देते फाइनल में। एंड फाइनल में मैच होता है माइटी जर्मनी से, और जर्मनी को सरप्राइजिंगली वो लोग 2-0 से हरा के बन जाते यूरो चैंपियन और रच देते फुटबॉल हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट अंडरडॉग स्टोरी। लेकिन फाइनल में कैसे हराते उसके ऊपर एक अलग स्टोरी है भाई लोग, वो लोग हम लोग कवर करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो इस तरीके से और भी इंटरेस्टिंग फुटबॉल शॉट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर।